के स्टार्टिंग सीन में हमें एक बहुत ही फेमस कंपनी जिसका नाम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन होता है उसके बारे में पता चलता है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन एक बहुत ही बड़ी और सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी और इस सक्सेस के पीछे रीजन ये था कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन मेडिसिन से ज्यादा वेपन बेचकर प्रॉफिट अर्न करती थी और ये बात कंपनी के सारे एम्प्लॉयज नहीं जानते थे बल्कि सिर्फ हाई स्केल ऑफिसर्स ही इस बात को जानते थे। अब क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग काफी बड़ी थी तो उसे एक सिटी के नीचे बनाया गया था। फिर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि ग्रीन कलर के एंटीवायरस को चुरा रहा था और ये काम वो बहुत ही ध्यान से कर रहा था, लेकिन जाते जाते वो ब्लू कलर के वायरस को लैब में ही फेंक देता है। हवा की वजह से वायरस हर जगह पर फैल जाता है और वहीं पर एक आदमी जो कि जल्दबाजी में कहीं जा रहा था और जाते जाते वो एक आदमी से टकरा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुकता और बहुत सारे एम्प्लॉयज एक लिफ्ट में चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो लिफ्ट अपने आप ही बंद हो जाती है। लैब में यूज होने वाले डॉग्स जब उस वायरस की स्मेल को सूंघते हैं तब वो भौंकने लग जाते हैं और पूरे अपार्टमेंट में फायर अलार्म्स बजने लगते हैं और वहाँ पर पानी भी बारिश की तरह गिरने लगता है। एक फीमेल एम्प्लॉय कैमरे की तरफ देखकर किसी को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर कोई आग नहीं लगी है तो इस पानी को बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर भी पानी बंद नहीं होता। एक दूसरा एम्प्लॉय आकर उसे बताता है कि ये पूरा अपार्टमेंट लॉक्ड हो गया है और हम सब यहीं फंस गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पानी जमा होने लगेगा और वो सब मारे जाएंगे। अब जो एम्प्लॉयज लिफ्ट में फंस गए थे वो लिफ्ट से बाहर आने की कोशिश करते हैं और एक लड़की जो सबसे पहले लिफ्ट से बाहर आना चाहती थी वो बाहर आने की कोशिश में ही मारी जाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिस होता है। वो आंखें खोलती है लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पर कैसे आई और वो किस जगह पर है। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एलिस बाहर आती है और एक लॉकर में उसे गन दिखाई देती है और वो रूम से बाहर आकर टेबल पर रखी हुई एक पिक्चर को देखती है और वो पिक्चर उसकी और उसके हस्बैंड की शादी की पिक्चर थी और यहाँ पर उसे ये भी याद नहीं आ रहा होता कि उसकी शादी कब हो गई। एलिस उस जगह पर कुछ अजीब फील करती है और तभी एक आदमी वहाँ पर आता है जिसका नाम मैट होता है। वो एलिस को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने यहाँ पर आया हूँ और इतनी ही देर में कुछ सोल्जर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। सब सोल्जर्स एलिस और मैट को लेकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ट्रेन में चढ़ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक और आदमी मिलता है जो कि बेहोश होता है और उस आदमी का नाम स्पेंस था और इस आदमी को भी कुछ याद नहीं आ रहा होता जैसे एलिस को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। स्पेंस वही इंसान है जो एलिस के साथ उसकी वेडिंग पिक्चर में था, यानी उसका हस्बैंड। स्पेंस को देखकर एलिस को कुछ विजन्स आते हैं और उन विजन्स में वो अपनी वेडिंग मेमोरीज को देखती है। वो लोग ट्रेन के जरिए काफी आगे आ चुके थे। एलिस सीनियर सोल्जर को गन पॉइंट करके पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो एलिस को कहते हैं कि तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई बल्कि वो फेक था और शादी का सारा ड्रामा उन्होंने इसलिए क्रिएट किया था ताकि वो उस जगह पर जा सके जहाँ पर वो अभी जा रहे हैं। वो एलिस को ये भी बताते हैं कि जिस घर से हमने तुम्हें पकड़ा है उसी रास्ते के जरिए हम उस सिटी के नीचे बनाए गए बहुत बड़ी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी की लैब में जा रहे हैं, क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को चलाने वाली डेंजरस और पावरफुल कंप्यूटर जिसका नाम रेड क्वीन है उसने अपने सारे एम्प्लॉयज को मार डाला है। यानी जो लोग अपार्टमेंट में बंद हो गए थे यहाँ पर उन्हीं एम्प्लॉयज की बात हो रही थी। वो लोग एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाते हैं और सीनियर सोल्जर अपने बाकी सोल्जर्स को कहता है कि इस पूरी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करो। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का पावरफुल और डेंजरस कंप्यूटर यानी रेड क्वीन उन सबको देख रही थी और उसे उनके यहाँ आने का मकसद भी पता था। उन लोगों के साथ एक हैकिंग ऑफिसर भी होता है जो अपनी हैकिंग को यूज करके एक रास्ते को ओपन करता है और कुछ ऑफिसर उसके अंदर जाते हैं, लेकिन तभी उस जगह का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी वो हैकिंग ऑफिसर बताता है कि ये दरवाजा रेड क्वीन ने बंद कर दिया है। तभी उस जगह जहाँ पर वो ऑफिसर्स गए थे एक लेजर वेपन एक्टिवेट हो जाता है जिससे उनकी एक फीमेल सोल्जर का सर कट जाता है और वो मर जाती है। उस फीमेल सोल्जर को मरता हुआ एलिस भी देख लेती है और वो हैकिंग ऑफिसर को जल्दी से लेजर वेपन को ऑफ करने के लिए कहती है और इतनी ही देर में एक और ऑफिसर लेजर वेपन से मारा जाता है। सीनियर सोल्जर जो कि अभी भी जिंदा था तब एलिस उससे कहती है कि वो जल्दी से लेजर वेपन को बंद करे क्योंकि एक एक करके सारे ऑफिसर्स मारे जा रहे थे। और फिर लेजर वेपन सीनियर ऑफिसर की तरफ बढ़ते हुए अपना डिजाइन चेंज कर लेता है और वो उसे ऐसा डिजाइन करके मारता है कि उसकी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। वो हैकिंग ऑफिसर लेजर वेपन को बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स
मारे गए थे। वो हैकिंग ऑफिसर कहता है कि अब रेड क्वीन को ऑफ करना जरूरी हो गया है और फिर वो रेड क्वीन के रूम में जाते हैं और फिर उसे ऑफ करने के प्रोसीजर को स्टार्ट कर देते हैं। और तभी रेड क्वीन इंसानी स्ट्रक्चर होलोग्राम में इनके सामने आती है और वो उन्हें वार्न करते हुए कहती है कि तुम मुझे बंद करने की गलती मत करो, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और वो यहीं पर फंस कर मर जाएंगे। एलिस रेड क्वीन से पूछती है कि तुमने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को क्यों मार डाला। तब रेड क्वीन जवाब देती है कि किसी ने उस कंपनी में टी वायरस को पूरी तरह फैला दिया था। वो बताती है कि वो वायरस इतना खतरनाक है कि वो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो कहती है कि इसीलिए मैंने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज और उस वायरस को उसी अपार्टमेंट में बंद कर दिया और जिसे वो सारे एम्प्लॉयज मारे गए। वो रेड क्वीन को बंद कर देते हैं और कंपनी के सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। दूसरी तरफ बाहर फीमेल ऑफिसर रेन, मैट और एक और पुलिस ऑफिसर उन लोगों का वेट कर रहे थे और तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उन आवाजों को चेक करने के लिए ऑफिसर रेन जाती है। उसे वहाँ पर कंपनी की एक एम्प्लॉय मिलती है जो डोर ओपन होने की वजह से बाहर आ गई, लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी बन गई थी और ये सब कुछ उस वायरस की वजह से ही हुआ था। लेकिन रेन को नहीं पता था कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो उसके हाथ पर बाइट कर लेती है। रेन हेल्प के लिए दूसरे ऑफिसर को बुलाती है जिस पर वो ऑफिसर उस ज़ॉम्बी लड़की को आगे ना आते हुए वार्न करता है और रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकती और आगे बढ़ने लगती है और इसीलिए रेन उसे शूट करके मार डालती है। इतनी ही देर में एलिस और वो हैकिंग ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाते हैं और रेन उनसे पूछती है कि हमारे बाकी टीम मेंबर्स कहाँ पर हैं, जिस पर वो हैकिंग ऑफिसर बताता है कि हमारे सारे सोल्जर्स लेजर वेपन से मारे गए हैं। ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं तभी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज एम्प्लॉय इन्हें घेर लेते हैं और तब ये लोग खुद को सेव करने के लिए उनका मुकाबला करते हुए उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो ज़ॉम्बीज नहीं मर रहे थे। इन लोगों को उन ज़ॉम्बीज के ना मरने की वजह समझ में नहीं आ रही थी। ये लोग वहाँ पर ब्लास्ट करते हैं और उन ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और तभी उनके एक ऑफिसर को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं। बाकी लोग खुद को सेव करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। एलिस जो कि उन लोगों से सेपरेट होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है और तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी डॉग आ जाता है। तब एलिस डोर की दूसरी साइड पर जाकर डोर को बंद कर लेती है और वहाँ पर भी एक ज़ॉम्बी होता है और एलिस खुद को सेव करने के लिए उसे फाइट करती है और अपनी फाइटिंग स्किल से उसे मार डालती है। एलिस को यहाँ पर याद नहीं आ रहा था कि वो इतनी पावरफुल कैसे हो गई है और ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो ये भूल चुकी थी कि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सिक्योरिटी ऑफिसर थी। एलिस उस ज़ॉम्बी की गन ले लेती है और उन सारे डॉग्स को शूट कर देती है। मैट वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी लड़की आ जाती है और वो ज़ॉम्बी लड़की असल में मैट की सिस्टर थी। अब उसकी सिस्टर तो ज़ॉम्बी बन गई थी तो वो उस पर अटैक कर देती है। तब बिल्कुल ठीक वक्त पर एलिस आकर उसकी जान बचा लेती है। मैट एलिस को बताता है कि ये मेरी सिस्टर थी और वो दोनों मिलकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी काम के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे ताकि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के इस प्रोसीजर को आगे बढ़ने से रोके। वो कहता है कि इस काम में मेरी बहन का साथ यहाँ की एक सिक्योरिटी ऑफिसर दे रही थी, लेकिन फिर कुछ यूं हुआ कि पूरी कंपनी में किसी ने वो टी वायरस फैला दिया जिससे उसकी सिस्टर के साथ साथ सब एम्प्लॉयज ज़ॉम्बी में बदल गए। यहाँ पर मैट ये बात नहीं जानता था कि वो जिस सिक्योरिटी ऑफिसर की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि एलिस ही है जो कि इस काम में उसकी सिस्टर की हेल्प करने वाली थी। और यहाँ पर एलिस भी इस बात को हाइड रखती है कि वो उसकी सिस्टर को जानती थी। उन सबको चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था और एलिस रेड क्वीन को ऑन करने का कहती है क्योंकि एक वही थी जो उन्हें यहाँ से निकलने का सेफ रास्ता बता सकती थी। एलिस फिर रेड क्वीन को ऑन कर ही देती है और रेन रेड क्वीन से पूछती है कि ये ज़ॉम्बीज क्यों नहीं मरते और रेड क्वीन उसे जवाब देती है कि ये ज़ॉम्बीज सर पर वार करने से मरते क्योंकि उन ज़ॉम्बीज की बॉडी में वो टी वायरस चला गया है जो कि बहुत पावरफुल है और जाहिर है वो उन ज़ॉम्बीज की बॉडी को भी पावर प्रोवाइड करता है और यही वजह है कि गोली लगने के बावजूद भी वो नहीं मरते। एलिस रेड क्वीन से यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछती है। रेड क्वीन उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता तो बता दूंगी लेकिन मैं तुम्हारे उन साथियों को यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी जो इन्फेक्टेड है। और रेड क्वीन उन्हें रास्ता बता देती है और वो रास्ता एक अंडरग्राउंड था और वो वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो उन सब पर अटैक कर देते हैं और इसमें वो हैकिंग ऑफिसर इन्फेक्टेड हो जाता है। बाकी लोग तो उस अंडरग्राउंड रास्ते को पार करने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन वो हैकिंग ऑफिसर
उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस जाता है। तब एलिस रेन को कहती है कि वो हैकिंग ऑफिसर को सेव करने की कोशिश करे, लेकिन रेन से ठीक निशाना नहीं लगता। तब एलिस एक ही दफा में बहुत अच्छा निशाना लगा कर उस ऑफिसर को बचा लेती है। वो हैकिंग ऑफिसर फिर से फंस जाता है, लेकिन इस बार वो बाकी ऑफिसर्स को अपनी जान बचाकर वहां से जाने के लिए कहता है और ये लोग उसे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बाहर आकर एलिस को याद आता है कि उस टी वायरस का एंटीवायरस भी है जिसे वो रेन को लगाकर उसकी जान बचा लेगी। ये सोचकर एलिस उस एंटीवायरस को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। लेकिन उसे ये बात यहाँ पर समझ नहीं आती कि एंटीवायरस को तो यहीं पर होना चाहिए, तो फिर वो यहाँ पर क्यों नहीं है। ये देखकर मैट एलिस से पूछता है कि तुम वायरस और एंटीवायरस के बारे में कैसे जानती हो। तब एलिस यहाँ पर वो राज खोल देती है। वो कहती है कि मैं ही वो सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ जो वो एंटीवायरस चुराकर तुम्हारी सिस्टर को देने वाली थी, ताकि तुम और तुम्हारी सिस्टर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की रियलिटी को दुनिया के सामने ला सको। तब स्पेंस को याद आता है कि वो ही वो चोर है जिसने एंटीवायरस चुराए थे और उस टी वायरस को पूरी लैब में फैला दिया था, और जल्दबाजी में वो एक एम्प्लॉय से टकरा भी गया था और रुका भी नहीं था। लेकिन वो वहां से तो बचकर बाहर आ जाता है और ट्रेन में बेहोश हो जाता है, और टेम्परेरी उसकी भी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। और ये वही वक्त था जब वो उन ऑफिसर्स को मिला था। ठीक उसी वक्त एलिस को भी पता चल जाता है कि स्पेंस ही वो आदमी है जिसने इस वायरस को चुराया था। लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, तो एलिस ने खुद को चेंज कर लिया और अब वो अच्छी बन गई, और इसीलिए वो स्पेंस को रोकने के लिए कहती है, और यही वजह है कि वो स्पेंस को रोकने का फैसला करती। लेकिन स्पेंस अचानक से गन उठाकर उन्हें गन पॉइंट कर देता है। स्पेंस एलिस को उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर एलिस उसे मना कर देती है, और तभी एक ज़ॉम्बी स्पेंस को काट लेती है और अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। स्पेंस उन लोगों को यहाँ पर लॉक करके ट्रेन की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो एंटीवायरस रखा हुआ था। स्पेंस खुद को वो एंटीवायरस लगाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक बहुत खौफनाक म्यूटेंट आ जाता है, और ये म्यूटेंट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने ही बनाया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक म्यूटेंट था, क्योंकि वो इंसानों का खून पीता था, और जितना ज्यादा वो इंसानों का खून पीता था वो उतना ज्यादा पावरफुल बन जाता था। ये म्यूटेंट स्पेंस को मारकर उन तीनों के पीछे पड़ जाता है। एलिस रेड क्वीन से रिक्वेस्ट करती है कि दरवाजे को ओपन करें और प्लीज वो हमारी हेल्प करें। तब रेड क्वीन कहती है कि तुम लोगों के साथ रेन है जो कि इन्फेक्टेड है, अगर तुम उसे मार देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन एलिस रेड क्वीन की बात नहीं मानती और फिर से रेड क्वीन ऑफ हो जाती है, और इस बार उसे ऑफ किया था उसी हैकिंग ऑफिसर ने जो किसी तरह जिंदा बच गया था। वो उन्हें किसी तरह वहाँ से निकालता है और वो लोग ट्रेन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं, और इनके पीछे पीछे वो क्रिएचर भी आ जाता है। एलिस रेन और हैकिंग ऑफिसर को वो एंटीवायरस लगाती, लेकिन तभी रेन जो कि ज़ॉम्बी बनने लगी थी, क्योंकि इससे पहले कि वो एंटीवायरस उस पर असर करता वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ज़ॉम्बी रेन मैट पर अटैक कर देती है, लेकिन मैट उसके सर पर गोली मारकर उसे जान से मार डालता है, और तभी वो म्यूटेंट भी ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है। ये दोनों बिल्कुल ठीक टाइम पर सेफली बाहर आ जाते हैं, और बाहर आते ही कुछ लोग एलिस को पकड़ लेते हैं और मैट को अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाते हैं। एलिस की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो स्ट्रेचर के साथ बंधी हुई है, और वो किसी तरह खुद को स्ट्रेचर से आजाद करती है, और वो उस जगह से बाहर आती है तो देखती है कि पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है। यानी इसका मतलब ये था कि वो टी वायरस अब पूरे शहर में फैल चुका था, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।